हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो है कि बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक में क्लास 11th में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं और उस डेट में उस ईयर में क्या हुआ, किस बायोलॉजिस्ट ने कौन सी डिस्कवरी करी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे और बातें करेंगे। तो चलते हैं पहली डेट। 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आरएच विटिकर ने दिया। 1892 में डिमिट्री आइवानोव्स्की ने वायरस डिस्कवर्ड किया। 1935 में डब्ल्यू एम स्टेनले ने वायरस को बताया क्रिस्टल फॉर्म में होता है। 1971 में टी ओ डाइनर ने वायरॉयड को डिस्कवर किया। 1838 में मैथियास शेल्डन ने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को ऑब्जर्व किया और उन्होंने बताया कि डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं और ये टिश्यूज को फॉर्म करती हैं फ्यूचर में। 1839 में थियोडोर सॉन आए, इन्होंने एनिमल सेल को में रिसर्च करी और बाद में बताया कि सेल्स की जो थिन आउटर लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है। 1855 में रोडोल्फ वर्चू आए, उन्होंने कहा कि सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एराइज होती हैं, ये बात उन्होंने बताई। 1898 में कैमिलो गोल्जी जी ने ये बताया कि गोल्जी एपरेटस गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया कैमिलो गोल्जी ने। तो ये सब इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं, इस ईयर में क्या क्या चीज़ें हुई ये आपको बताया गया। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। छोटी छोटी चीज़ें हैं पर ये बहुत ही मोटी चीज़ें होती हैं जो कभी कभार पूछ दी जाती हैं और आप भूल जाते हैं, तो आपको एक साथ एक जगह पे ये टॉपिक्स मिल जा रहे हैं। 1860 में जूलियस वॉन सैच ने हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के बारे में बताया। 1770 में जोसेफ प्रीस्टली ने ये बताया कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की बहुत इंपॉर्टेंस एसेंशियल रोल होता है एयर का। 1774 में जोसेफ प्रीस्टली ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। 1854 में जूलियस वॉन सैच ने एविडेंस प्रोवाइड कराया कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो, जब प्लांट ग्रो होते हैं तो उनकी बॉडी में ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। 1905 में ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया। 1926 में जिब्रेलियन एसिड होता है जिससे सीड की जर्मिनेशन होता है, फ्रूट जर्मिनेशन, तो ये बात ई कोरोसावा ने बताई। 1955 में मिलर आए तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि साइटोकाइनिन क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं। और मिड 1960s के आसपास इनहेबिटर बी एब्सिशन डॉर्मिन ये सारी चीज़ें इन लोगों ने रिपोर्ट करी। और 1910 में एच कजन्स ने एथिलीन को डिस्कवर किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी एनसीईआरटी क्लास 11th के अकॉर्डिंग, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें, रिवाइज कर लें। वीडियो कैसा लगा है तो तुरंत कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू सो मच।